आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक को राजस्थान की पॉलिटी की पहली क्लास से हम शुरुआत कर रहे हैं। और ये टॉपिक इस तरीके से हम कवर करेंगे, या पॉलिटी के आने वाले सारे टॉपिक इस तरीके से कवर करेंगे कि आप आरएस प्री और आरएस मेंस में जिस हिसाब से सवाल आए हैं, उनके आने वाले सवाल आप आराम से उनका उत्तर दे पाए। ये सबसे बड़ी बात है। इस तरीके से हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, मैं सुरेश पुरोहित हूँ, और डेली 4 बजे हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासेज, और शाम को 7 बजे जो है वो राजस्थान की इकोनॉमी की क्लासेज हम कवर करते हैं। और आज से हम राजस्थान की पॉलिटी की क्लासेज की स्पेशल हमने शुरुआत की है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी भारत का द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ भारत के बेहतरीन टीचर्स आपके लिए अवेलेबल है। इसके लिए आपको अनअकैडमी पर रजिस्टर करना होगा, और रजिस्टर करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फोन से डाउनलोड करना है। इस ऐप को जब आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव टेस्ट, क्विज और अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलेगा। एक बात और बता दूं कि आपके पूरे आरएस की जो फीस है, पूरे आरएस फाउंडेशन में आपका आरएस प्री प्लस आपका आरएस मेंस प्लस आपकी प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है, उस पूरी की जो फीस है वो मात्र 8,400 रुपये आपकी ये फीस है। आप ये ध्यान रखिए, बहुत कम फीस है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कवर करवाया जा रहा है, बेहतरीन टीचर द्वारा यहाँ कवर करवाया जा रहा है, आज के एग्जाम के हिसाब से चीजें कवर करवाई जा रही है। जो भी लाइव है आप सभी का धन्यवाद, हेलो टू एवरीवन। और टेक्निकली मैं आपको चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई में कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में मेरा रिप्लाई आप सभी को मिलेगा। यहाँ पर लाइव में रिप्लाई करने में थोड़ा अनेबल हूँ, तो वहां मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, तो आप प्लीज वहां देखिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो आपके पूरे आरएस प्री और मेंस की जो फीस है वो मात्र 8,400 रुपये आपकी है, लेकिन जैसा कि वहां एक गिफ्ट बॉक्स होगा उसमें रेफरल कोड मांगा जाएगा, रेफरल कोड। तो आप रेफरल कोड में यदि मेरा कोड सुरेश10 यूज करते हैं, तो यही पूरा जो आपका आरएस का जो कोर्स है वो मात्र 7,560 रुपये में आपके लिए अवेलेबल होगा। यानी कि इसमें जो है आपको 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, यू विल गेट 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली, ठीक है। तो मात्र 7,560 रुपये में यदि आपके आरएस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। दूसरी बात, वहां पर जो क्लास होगी, मान लीजिए वहां पर जो क्लास होगी प्लस पर आप क्लास नहीं देख पाए, मेरा जो टाइम है जैसे 1 बजे, अन्य टीचर का टाइम, तो वो क्लास है अगले 2 साल तक आपके लिए वही रहेगी। आप कभी भी उस क्लास को दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। और नीचे आपको एक PDF डाउनलोड करने का बटन होगा, वहां पर जैसे ही आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे तो आपको हर जो क्लास जो पढ़ाया गया वही जो PDF आपको मिल जाएगी। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आपका समय इंपॉर्टेंट है, आपके ये जो 7,560 रुपये वक्त नहीं रखते, बड़े अच्छे तरीके से चीजें कवर करवाई रही है, करवाई जा रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 7,560 रुपये में, कोड है सुरेश10। देखिए, राजस्थान की पॉलिटी की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, राजस्थान की राज व्यवस्था की, तो आपने जहां पर पहले कोचिंग की है वहां पर आपको मुख्यमंत्री के बारे में, विधानसभा के बारे में, राज्यपाल के बारे में आपको आर्टिकल के द्वारा, उनकी शक्तियों के द्वारा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा, और उसी को आधार बनाकर जो है आप आरएस प्रीलिम्स के लिए आप अपीयर होते हैं, आरएस मेंस के लिए अपीयर होते हैं। कुछ हद तक वो चीजें आरएस मेंस के हिसाब से ठीक भी है, लेकिन उसमें भी कई चीजें जोड़नी है। एक चीज और कि हम राजस्थान की जो पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, राजस्थान की पॉलिटी, उसमें पहला चैप्टर हम मुख्यमंत्री, पहली बात तो ये कि सबसे पहली चीज जो टीचर पढ़ाता है और एक स्टूडेंट पढ़ता है, तो उन दोनों को समझने की एक सबसे बड़ी बात होती है कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, किस प्रकार की चीजें कवर करवाई जा रही है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कितना डीप नॉलेज वाला है, उसमें R&D, उसमें कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है। तीसरी चीज, वो कहां से पूछा जा रहा है, अगर ऐसा भी अगर मिल जाए, कहां से पूछा जा रहा है। चौथी चीज, यदि वो मेंस का है, मेंस का सवाल है, तो क्या वो फैक्ट वाला सवाल है या एनालिसिस वाला सवाल है। यदि वो एनालिसिस वाला सवाल है तो वो किस लेवल तक का है, कितना आपको अंडरस्टैंड, कितने डीप में जाकर आपको अंडरस्टैंड करना है, वो भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, मेहनत आप कर रहे हैं, आप अपने रूम में बैठकर मेहनत कर रहे हैं, आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वहां मेहनत कर रहे हैं, आप किसी टीचर के नोट्स पढ़ रहे हैं तो वहां कहीं मेहनत कर रहे हैं,
आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो वहां कहीं मेहनत कर रहे हैं। आरएस प्री की जो कट ऑफ गई थी 200 में से 78 नंबर, क्यों गई कट ऑफ 78 नंबर क्यों? क्या पढ़ाने वाले अच्छे नहीं है, क्या पढ़ने वाले मेहनती नहीं है, क्या बुकों की कमी है? नहीं है, लेकिन फिर भी 78 नंबर कट ऑफ क्यों है? क्योंकि लेवल ऑफ जो पेपर है वो काफी अच्छा होता जा रहा है, लेवल ऑफ द पेपर है वो काफी अच्छा होता जा रहा है। चीजें सीधी ना पूछकर घुमाकर पूछी जा रही है, टॉपिक को एनालिसिस कर पूछा जा रहा है। और मैं हर एक टॉपिक को, जब आप राजस्थान की पॉलिटी की हम शुरुआत करें, तो हर एक टॉपिक के सामने मैं आपके सामने जो पुराने आए हुए सवाल है, जो लेटेस्ट, देखिए 2016 और 2018 में चीजें और ट्रेंड दोनों चेंज हो गए। पहली बात ये, 2016 से पहले बिल्कुल फैक्ट वाले सवाल आते थे, लेकिन आजकल जो फैक्ट पूछे भी जा रहे हैं वो बहुत डीप में पूछे जा रहे हैं। आपके सामने एक सवाल है, उस सवाल के बाद में इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। देखिए आपके सामने सवाल आरएसपी 2018 का, ये सवाल है आरएसपी 2018 का सवाल है, बड़ा टफ सवाल। और एक बात और बता दूं कि जयपुर, जोधपुर या अन्य किसी जगह पर जिन भी स्टूडेंट ने कोचिंग की थी, वहां से नोट्स लिए थे, उनमें ना तो आपको ये सवाल मिलेगा, ना ही आपको उनके नोट्स में सवाल मिलेगा। और ज्यादातर 99.9% लोगों का जो ये सवाल था, ये उसका उत्तर गलत था, क्योंकि आरपीएससी ने ये जो सवाल पूछा गया, ये आपके सामने एक सवाल इसलिए ये रखा है क्योंकि इस टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सवाल था कि निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? इतना अच्छा सवाल है, आप पढ़ते, हम पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं कि पहले मुख्यमंत्री ये, उसके बाद ये आए, ये आए, ये अंतिम रूप से ये मुख्यमंत्री, हम इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन अब अगर सवाल को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर हैव नॉट हेल्ड द पोस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली? ऑप्शन था हरिदेव जोशी साहब, शिवशरण माथुर साहब, अशोक गहलोत और वसुंधरा जी राजे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि शिवशरण माथुर साहब और अशोक गहलोत जी, ये कभी भी राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं, तो इसका उत्तर तो वैसे टू था, बी और सी था। लेकिन जो सवाल जिस तरीके से पूछा गया, मैं आपको यहाँ उत्तर बताने के लिए आपके सामने ये सवाल नहीं लेके आया हूं। मैं, अगर आप गांव में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप शहर में बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अगर आपका आरएस बनने का जो ड्रीम है, तो उसका लेवल आप समझिए, उसका लेवल आप, मैं आपको एक चीज और बता दूं, मार्केट से बड़ी किताब आप खरीद लीजिए, आपको इस सवाल का उत्तर आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस आपको इस तरीके का जो है, आपको कोई चार्ट या डायग्राम भी नहीं मिलेगा। अब आप ये कहोगे कि आखिरी आरपीएससी ने सवाल कहां से पूछा, सीधी सी बात है, आरपीएससी आजकल ऑथेंटिक सोर्स की तरफ जा रही है, ऑथेंटिक सोर्स की तरफ जा रही है। और मैंने आपको बताया था कि ऑथेंटिक सोर्स में जैसे राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण, यदि आप राजस्थान के जो विभाग है, जिस हिसाब से हमने आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे को हमने कवर किया है या कवर कर रहे हैं अभी, हम जो है यूट्यूब पर सुरेश पुरोहित, मेरा जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें, इसी तरह राजस्थान की पॉलिटी को पढ़ेंगे आप, जब अगला प्री और मेंस देने जाएंगे तो आपको ये चीजें मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि मैंने इन चीजों को देखा है बड़े करीब से कि आरपीएससी कहां से चीजें। और एक बात और बता दो आपको, ये जो सवाल पूछा गया ना, ये राजस्थान, कई टीचर आपके सामने शो नहीं करते हैं, राजस्थान असेंबली की जो वेबसाइट है, राजस्थान असेंबली की जो वेबसाइट है, वहां पर ये सीधा सवाल नहीं था, सीधा वहां पर जो है कम से कम 15-20 जो है लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में से इन्होंने जो है ऐसे लिस्ट में से सवाल ढूंढ कर, खोल कर, एकदम नया सवाल है, कभी किसी एग्जाम में पहले नहीं पूछा गया, एकदम खोल कर ये सवाल पूछा गया है। तो प्लीज आप, मैं आपके सामने ये जो सवाल लेके आया हूं, मेरा केवल एक ही मोटिव है कि आप सवाल का, आप देखा आपने लेवल क्या है, सवाल का लेवल कितना अच्छा है, ठीक है, तो ये जरूरी है। इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम, जैसे मुख्यमंत्री हमारा जो टॉपिक है मुख्यमंत्री, तो पहले हम जो है थोड़ा फैक्ट बेस पर पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से मुख्यमंत्री आए और उनके मुख्यमंत्री से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण इवेंट। और दूसरे, फिर मुख्यमंत्री का, जैसे आप पढ़ते हैं कि संविधान में किस प्रकार से उल्लेख है, किस प्रकार से उल्लेख है, मुख्यमंत्री किस प्रकार से कार्य करता है, थोड़ा बहुत इसे देखेंगे। जब हमारे मेंस के ओरिएंटेड क्लासेस होगी प्लस पर, तो वहां पर हम और थोड़ा डीप में देखेंगे, लेकिन पहले इसे हम आज के एग्जाम के हिसाब से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री
राजस्थान के मुख्यमंत्री। देखिए ये जो वो चार्ट था, वो जितने भी चार्ट है, अब आप टेंशन छोड़ दीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आरपीएससी जहां से रिसर्च कर रही है वो चीजें मैं आपके सामने ला रहा हूं, भले वो इकोनॉमिक सर्वे की चीज हो या जो भी मैं आपके सामने टॉपिक पढ़ा रहा हूं, वो सारी तो आपके सामने वो चीजें सारी आएगी, आप बेफिक्र रहिए। अब आपको रिसर्च, आप मुझसे जुड़े हैं तो आपको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो मैं पढ़ाऊं उस पर एक विश्वास रख कर, आप पढ़िए। अगर आपका आरएस बनने का सपना है, अगर आप पटवार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो छोटी बड़ी किताब से भी काम हो जाएगा, लेकिन आरपीएससी जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है तो उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। देखिए सबसे पहली बात कि राजस्थान में जो प्रथम चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वो 1952 में हुए हैं। 1952 में प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 1952 में प्रथम विधानसभा का गठन हुआ है। तो उससे पहले भी आप देखोगे, 1952 से पहले भी देखोगे तो राजस्थान में आपको दो मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे, एक और दो। पहले मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री साहब और दूसरे मुख्यमंत्री बने थे सी एस वेंकटाचारी। ठीक है, आपने अगर आपने पहले राजस्थान की पॉलिटी पढ़ी है या इंडिया की हिस्ट्री या इंडिया की पॉलिटी पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, उस 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में एक पद का सृजन किया गया था जिसे जैसे कहते थे प्रधानमंत्री उस समय कहते थे। ठीक है, राज्यों में जो आपने देखा होगा कि एकीकरण के समय आप पढ़ते होंगे कि इस राजा के ये प्रधानमंत्री थे, जैसे जयपुर जो रियासत थी उसके प्रधानमंत्री आपने मिर्जा इस्माइल का नाम सुना होगा। तो प्रधानमंत्री के नाम से जो व्यक्ति होता था, कालांतर में वही व्यक्ति जो है राज्यपाल, जब एकीकरण वगैरह इस दिशा में आगे बड़े स्वतंत्रता 1947 में स्वतंत्रता से आप देखोगे कि 1952 राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव तक जो व्यक्ति जो चुने गए थे उनकी नियुक्ति वैसे आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी, किनसे? केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, क्योंकि 1952 में पहली बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए है। तो पहली बार विधानसभा चुनाव हुए है तो 1952 में पहली बार निर्वाचित, आप देखोगे कि 1952 में पहली बार निर्वाचित जो व्यक्ति होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, जो जो लोगों द्वारा चुना जाएगा, जो जिस दल को बहुमत मिलेगा। तो केंद्र द्वारा जो दो नॉमिनेटेड जो मुख्यमंत्री थे वो थे पहले हमारे मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी, जिनका कार्यकाल 1949 से 1951 तक रहा, हीरालाल शास्त्री जी का कार्यकाल। दूसरे एक आईएएस ऑफिसर थे, ये देखिए कभी सवाल आए तो ध्यान रखना आरएस प्रीलिम्स का, एक सिविल सर्वेंट जो राजस्थान के कभी मुख्यमंत्री भी रहे, कभी इस प्रकार का सवाल आए, एक सिविल सर्वेंट, एक आईएएस अधिकारी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। देखिए आप देखिए कि 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक ये लगभग साढ़े तीन महीना है सी एस वेंकटाचारी राजस्थान के जो है मुख्यमंत्री भी रहे, कभी ये सवाल है आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब ये तो केंद्र द्वारा इनकी नियुक्ति की गई, केंद्र द्वारा नियुक्ति की गई थी। अब तीसरे जिनको केंद्र द्वारा नियुक्ति की गई थी तो वो थे जयनारायण व्यास साहब। जयनारायण व्यास साहब जो है ये तीसरे मुख्यमंत्री राज्य के बने इनकी भी नियुक्ति शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा की गई। देखिए पहले थे हीरालाल शास्त्री जी, दूसरे वेंकटाचार्य और तीसरे जो है हमारे जयनारायण व्यास साहब। अब अगर आप देखो कि जयनारायण व्यास साहब के समय जब एकीकरण का अंतिम पड़ाव, जो 1956 से पहले मुख्य रूप से सिरोही वाला जो मुद्दा था उसको लेकर जो है राजस्थान का एकीकरण जो है 1956 तक हुआ था, 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ, लेकिन मोटे रूप में राजस्थान का एकीकरण हो चुका था। ठीक है, पांचवें चरण में हो चुका था। तो 1952 में प्रथम इनके समय जो है 1952 में प्रथम बार जो है राजस्थान में चुनावों की घोषणा होती है केंद्र सरकार द्वारा कि अब जो है अगला मुख्यमंत्री जो आएगा उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा न कर कौन करेगा, राज्य के लोग निर्वाचन द्वारा करेंगे। तो आप देखोगे कि 1952 में पहली बार प्रथम चुनावों की घोषणा होती है और जयनारायण व्यास साहब जो है वो दो विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं लेकिन दोनों जगह से हार जाते हैं। जब जयनारायण व्यास साहब जो है वो दोनों जगह से हार जाते हैं तो राजस्थान में पहली विधानसभा का गठन होता है 1952 में 3 मार्च 1952 में राजस्थान की पहली विधानसभा का गठन होता है और कांग्रेस की सरकार बनती है। कांग्रेस की सरकार, विधानसभा में हम बात करेंगे, जो भी आप लाइव, हेलो आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि
मैं आपको लाइव कमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आप चैट बॉक्स में मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, वहां पर आपके सवाल जो है उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो राजस्थान में 1952 में पहली विधानसभा का गठन होता है 1952 में, और 1957 तक 5 वर्ष तक पहली विधानसभा बनती है। तो पहली बार निर्वाचित जो मुख्यमंत्री बनकर आते हैं वो टीकाराम पालीवाल साहब, क्योंकि सबसे बड़ा जो चेहरा आपको देखोगे उस समय 1952 के आसपास राजस्थान की भूमि पर, तो वो जयनारायण व्यास साहब है। लेकिन 1952 में जयनारायण व्यास साहब जो है वो दोनों विधानसभा से हार जाते हैं, तो किनको बनाया जाए? तो कांग्रेस दल का एक सदस्य मंडल जो आता है वो कहता है कि टीकाराम पालीवाल जी को बनाइए। और आप देखिए कि उस समय प्रथम विधानसभा भी गठित होती है 1952 में, और टीकाराम पालीवाल साहब जो है वो 1952 से आप देखोगे कि लेकिन कार्यकाल तो आप देखिए प्रथम विधानसभा का कार्यकाल तो 1952 से 1957 तक है, लेकिन टीकाराम पालीवाल साहब जो है वो 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक, लगभग 7 महीने तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। और इनको फिर हटना पड़ता है, उसका कारण मैं आपको समझाऊंगा। और पहली विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं हमारे नरोत्तम लाल जोशी साहब, और प्रथम उपाध्यक्ष बनते हैं लाल सिंह सक्तावत और नरोत्तम जी जोशी जो है ये प्रथम विधानसभा और उपाध्यक्ष बनते हैं। अब आप देखोगे कि 31 अक्टूबर 1952 को क्या होता है कि 17 चुनाव जो होते हैं, 17 जो क्षेत्र होते हैं उस पर उपचुनाव होते हैं। जब उस पर उपचुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी जो है वो किशनगढ़ क्षेत्र से दोबारा जो है जयनारायण व्यास साहब को जो है उनको नॉमिनेट करती है कि आप खड़े होइए, और किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जयनारायण व्यास साहब खड़े होते हैं और इस बार वो जीत जाते हैं। अब जब जीत गए हैं तो प्रथम विधानसभा में टीकाराम पालीवाल साहब को हटा दिया जाता है, और उनकी जगह आप देखोगे कि 1952 से 1954 तक जो है मुख्यमंत्री राजस्थान के रहते हैं जयनारायण व्यास साहब दोबारा जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब देखिए 1954 से 1957, देखिए वैसे मोहनलाल सुगड़िया साहब जो है राजस्थान में, आपको समय ध्यान में नहीं रखना है, मोहनलाल सुगड़िया साहब राजस्थान में जो है 4 बार मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, एक बार 1954 में, एक बार 1957 में, एक बार 1962 में और एक बार 1967 में। आप देखोगे कि 1954 से 1971 तक राजस्थान में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है वो मोहनलाल सुगड़िया साहब, और कहा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाले जो मुख्यमंत्री जो है वो मोहनलाल सुगड़िया साहब ही थे, ठीक है, मोहनलाल सुगड़िया साहब तक राजस्थान में लंबी समय तक रहने वाले 1954 से 1971 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। और इनके समय जो है राजस्थान की पहली महिला मंत्री जो है या उप मुख्यमंत्री उनके मंत्रिपरिषद में बनाई गई थी, उनका नाम था कमला बेनीवाल जी, और कमला बेनीवाल जी राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी है और राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी है। कालांतर में कमला बेनीवाल जी जो है वो गुजरात की राज्यपाल भी बनी थी। ये सर्वाधिक लंबी अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुगड़िया साहब, राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, और चौथी बार जब चौथी विधानसभा का गठन हुआ गया था तो उनके समय में पहली बार राजस्थान में प्रथम बार जो है 26 अप्रैल 1967 जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, और उसके बाद में थोड़े दिन तक रहा, फिर जो है विधानसभा को वापस जो है वहां पर जो है उसको लागू कर दिया था कि विधानसभा का संचालन हो गया था। तो पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, देखिए मुख्यमंत्री को समझेंगे वहां पर कि क्या क्या शक्ति है क्या नहीं है, लेकिन आपको एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है, वापिस आपको रिकॉल करवा दो, एक चीज तो ये कि 1952 से पहले आप देखोगे कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की गई है, और ऐसे 3 मुख्यमंत्री है, एक है हीरालाल शास्त्री जी, एक जो है सी एच वेंकटाचार्य जो एक आईएएस अधिकारी थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, और तीसरे हैं जयनारायण व्यास साहब। ये तीनों जो है इनकी नियुक्ति जो है आप देखोगे कि केंद्र सरकार द्वारा की गई। जब 1952 में आप देखोगे कि प्रथम विधानसभा की घोषणा हुई 1952 में, तो उसमें क्या होता है कि दोनों विधानसभा से जयनारायण व्यास साहब जो है चुनाव हार जाते हैं। जब चुनाव हार जाते हैं तो टीकाराम पालीवाल, कांग्रेस दल जो है वो टीकाराम पालीवाल जी को मुख्यमंत्री नियुक्त करती है, और लेकिन ये 7 महीने तक ही मुख्यमंत्री रह पाते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब जो आप देखोगे कि 31 दस 1952 को
राजस्थान की प्रथम विधानसभा में छत्रा जो क्षेत्र है उनसे उपचुनाव होते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि जय नारायण व्यास साहब जो है उनको दोबारा टिकट मिलता है, वो किशनगढ़ क्षेत्र से जीत कर आते हैं। जब ये किशनगढ़ क्षेत्र से जीत कर आते हैं तो ऐसे जय नारायण व्यास साहब, टीकाराम पालीवाल और पुनः जय नारायण व्यास साहब जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। जय नारायण व्यास साहब मुख्यमंत्री बनते हैं 1952 से 1956 तक, ये मैंने एक साथ में लिख लिया, ठीक है। टीकाराम पालीवाल साहब के बाद में जो है पुनः जय नारायण व्यास साहब ऐसे, फिर 17 उपचुनाव में हार जाते हैं ये, सॉरी ये किशनगढ़ क्षेत्र से ये हार जीत जाते हैं जय नारायण व्यास साहब, तो वापिस जो है ये मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इस बार ये निर्वाचित है, इस बार ये निर्वाचित है, ये आपको ध्यान में रखना है। जय नारायण व्यास साहब के साथ बाद में है मोहनलाल सुगड़िया साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनका कार्यकाल आप देखोगे तो 1954 से 1971 तक है, ठीक है। 1954 से 1971 तक जो है राजस्थान में इनका सर्वाधिक जो कार्यकाल है वो मोहनलाल सुगड़िया साहब का है। इनके समय जो मंत्रिपरिषद गठित की जाती है उसमें एक महिला मंत्री को शामिल किया जाता है, और कमला बेनीवाल जी जो है वो राजस्थान की पहली महिला मंत्री और पहली उप मुख्यमंत्री बनती है। ये राजस्थान के 4 बार जो है वो मुख्यमंत्री भी रहे मोहनलाल सुगड़िया साहब के बाद में। मोहनलाल सुगड़िया साहब का कार्यकाल जो है वो 1971 में जब ये समाप्त होता है, उनका कार्यकाल जब 1971 में समाप्त होता है और दोबारा जब चुनाव होते हैं तो 1971 में एक व्यक्ति जीत कर आते हैं, और वैसे कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। आप देखोगे कि 1952 से लगभग 1978 तक जो है राजस्थान में कांग्रेस एक ही पार्टी है। उसके बाद कुछ समय के लिए फिर जो है जनता पार्टी आती है, लेकिन फिर जनता पार्टी के बाद में फिर कांग्रेस आ जाती है, और फिर कांग्रेस के बाद में फिर जो है जनता पार्टी का एक बार वापिस मुख्यमंत्री, फिर कांग्रेस आती है, फिर आप देखोगे कि बीजेपी कांग्रेस, फिर तो एक जो है आप द्विदलीय प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। तो मोहनलाल सुगड़िया साहब जी का जब कार्यकाल खत्म हो जाता है 1971 में, तो उनके बाद में जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी जीत कर आती है पुनः 1971 में, और 1971 में राज्य के एक मुस्लिम व्यक्ति जो है, एक मुस्लिम जो हमारे व्यक्ति है उनको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उनका नाम है बरकतुल्ला खान, और ये राज्य के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री भी कहे जाते हैं। ये वे व्यक्ति है जो राज्य पहली बार माइनॉरिटीज में आप जब देखोगे तो ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, पारसी है, ये माइनॉरिटीज गिने जाते हैं राजस्थान भारत में, और माइनॉरिटीज के पहले जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते हैं उनका नाम ही है बरकतुल्ला खान। 1971 में ये मुख्यमंत्री बन के आते हैं और उनका कार्यकाल 1973 तक रहता है, 1973 में। लेकिन 1973 में आप देखोगे 1973 में पुनः कांग्रेस की जो सदस्य है उनके द्वारा बरकतुल्ला खान साहब को हटा दिया जाता है और उनकी जगह हरिदेव जोशी साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और इनका कार्यकाल जो रहता है 1973 से 1977 तक। लेकिन बीच में आप देखोगे कि राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है 26 जून 1975 को। पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था वो आप देखोगे कि मोहनलाल सुगड़िया साहब जी के समय जो है 26 अप्रैल 1967 को पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। इसके आप देखोगे कि उसके कुछ सालों बाद में 1975 में आप देखोगे कि राज्य में दोबारा जो है राष्ट्रपति शासन लगा, और इस समय जो मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी साहब जो है 1977 तक राज्य में मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन आप देखोगे कि 1977 के काल में जो है आप देखोगे कि इंदिरा गांधी जी के समय जो है एक आप देखोगे कि आपातकाल की जो घोषणा की जाती है, और एक लंबा आपातकाल जब भारत में रहता है तो उसके कारण जो है कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा धक्का लगता है। हर एक राज्यों में आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी की एक जो छवि है वो एक थोड़ी धूमिल होती है लोगों में, और उसमें आप देखोगे कि 1977 के आसपास जो है भारत में एक जनता दल का जो है वो बन रहा है, जो कालांतर में बीजेपी पार्टी के रूप में बना है। तो 1977 में जब राजस्थान में चुनाव होते हैं और इस समय जो है कांग्रेस पार्टी को एक धक्का भी लगा है, तो लोगों द्वारा पहली बार जो है जनता संघ को आप देखोगे कि ये बहुमत में तो नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी मात्रा में इनको सीटें प्रदान की गई थी। हम विधानसभा जब वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे। तो जनता पार्टी को संख्या जो है बहुत ज्यादा मात्रा में, कांग्रेस की संख्या में ज्यादा में उनको सीटें मिली,
और इन्होंने जो है कुछ छोटी पार्टियों के साथ गठजोड़ कर जो है उन्होंने जो है सरकार बनाई। 22/6/1977 को सरकार बनाई और जनता पार्टी में आप देखोगे कि भैरव सिंह शेखावत साहब जो है 1977 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनकर आते हैं और राज्य में प्रथम बार गैर कांग्रेस की सरकार थी जो छठी विधानसभा में बनी थी। छठी विधानसभा की शुरुआत ही मानी जाती है 1977 से, और 1977 में जब छठी विधानसभा की शुरुआत हुई और आप देखोगे कि भैरव सिंह शेखावत पहली बार गैर कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1980 तक आप देखोगे कि तकरीबन 3 साल में इनका 3 साल तक कार्यकाल रहता है, क्योंकि पुनः 1980 में पुनः जो है 17 फरवरी 1980 को राजस्थान में जो है तीसरी बार जो है राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाता है, विधानसभा को भंग कर दिया। पहले राष्ट्रपति शासन लगा था लेकिन विधानसभा को भंग नहीं किया जाता था। आप नौर पर रह राष्ट्रपति शासन को पुनः हटाकर जो है वहां पर जो है आप देखोगे कि मंत्रिपरिषद को बहाल कर दिया जाता था, लेकिन चूंकि केंद्र में आप देखोगे तो कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में आप देखोगे कि जनता दल जनता संघ की जो है जनता संघ की पार्टी बनी। और तो उन्होंने क्या किया कि 1977 में भैरव सिंह शेखावत जो है वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1980 में पुनः जो है आप देखोगे कि केंद्र की कांग्रेस सरकार ने लगभग तीन साल में ही जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर जो है वहां की जो है विधानसभा को भंग कर दिया और राज्य में प्रथम बार मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी 1980 में, कार्यकाल पूर्ण किए बिना ही। 3 साल, लगभग 5 साल का कार्यकाल होता है विधानसभा का, लेकिन तकरीबन जो है वो 3 साल, लगभग 3 साल में ही आप देखोगे कि मध्यावधि चुनावों की घोषणा। ये ऐसा भी सवाल है कि मध्यावधि चुनावों की घोषणा है वो छठे विधानसभा में की गई, ये भी ध्यान रखिए। किनके समय की गई है? भैरव सिंह शेखावत जी के समय हुई है। और इस समय है जो राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है 1980 में, तीसरी बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगता है और मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी जाती है। और 1980 में जब चुनावों की घोषणा कर दी जाती है तो एक बार पुनः राजस्थान के जो लोग हैं वो कांग्रेस को बहुमत के रूप में कांग्रेस को जो है बहुमत से जिताते हैं और 1980 में पुनः जो है कांग्रेस की सरकार बनती है। और इस बार कांग्रेस का जो दल है उसमें से एक व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है और उनका नाम है जगन्नाथ साहब पहाड़िया। और आप देखोगे कि जगन्नाथ साहब पहाड़िया को जब मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, पहले नंबर पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, बहुमत मिला था, और दूसरे नंबर पर जो है वो जनता दल या जनता संघ को जो है बहुमत मिला था। ठीक है, बहुमत मतलब कि सीटें ज्यादा मिली थी। तो कांग्रेस की सरकार बनी और जगन्नाथ साहब पहाड़िया जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये एससी से आते हैं तो कहते हैं कि राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो जगन्नाथ पहाड़िया साहब ही थे। कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया साहब। ये राजस्थान के पहले एससी समुदाय से जुड़े हुए आए और उस समय द्वितीय नंबर पर जो पार्टी थी वो जनता संघ की पार्टी थी। तो उस समय जो नेता प्रतिपक्ष जो चुना गया था वो भैरव सिंह शेखावत साहब को चुना गया। कौन, किन को चुना गया? भैरव सिंह शेखावत साहब जो है वो राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष चुनकर आए थे, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता संघ बनकर आई थी। लेकिन आप देखोगे कि इनका कार्यकाल जो है लगभग 1 साल तक रहता है, 1 साल तक का इनका कार्यकाल है 1980 से 1981। और 1981 में कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस का दल जो है वो जगन्नाथ पहाड़िया साहब को हटा देता है। जगन्नाथ पहाड़िया साहब को चुनाव नहीं होते, मुख्यमंत्री को हटाना है, कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कहा इनको बना दो, राज्यपाल को कहा तो उनको बना दिया। तो 1981 में आप देखोगे कि 1981 में जगन्नाथ पहाड़िया साहब के स्थान पर शिवशरण माथुर साहब को जो है आप देखोगे कि शिवशरण माथुर साहब को जो है राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और ये तकरीबन आप देखोगे तो 1981 से 23 फरवरी 1985 लगभग जो है वो राजस्थान के 4 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। आपको ये ध्यान में नहीं रखना है, कुछ जो चीजें मैंने लिखी है उन चीजों को आपको नोटिस करना है। जिनका भी मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं ऑनलाइन, हेलो टू एवरीवन, जिनका भी सवाल नहीं दे पा रहा हूं, मैं चैट बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल हूं, क्योंकि टेक्निकली मैं आपके जो सवाल है उनके उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। अब देखिए 1985 में आप देखोगे कि पुनः जो है चुनाव होते हैं और आप देखिए कि उस समय जो है शिवशरण माथुर, कांग्रेस की सरकार ही है, शिवशरण माथुर साहब जी को हटा दिया जाता है कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस दल द्वारा, और उनकी जगह जो है एक अन्य व्यक्ति को चुना जाता है, उनका नाम है हीरालाल देवपुरा साहब। लेकिन ये इसलिए विख्यात रहे दो चीजों के कारण ये विख्यात है, आपके इन्हीं फ्लो चार्ट से मैं सवाल लेके आ रहा हूं।
हीरालाल देवपुरा एक तो सबसे कम अवधि के कार्यकाल के राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे। देखिए सर्वाधिक लंबी अवधि के कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया साहब। सबसे कम अवधि के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे जिन जो केवल 16 दिन तक रहे हैं उनका नाम है हीरालाल देवपुरा साहब। आप देखिएगा कि 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 ठीक है 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक लगभग 16 दिन तक जो है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। सबसे कम अवधि का इनका कार्यकाल रहा, लेकिन ये राजस्थान के एकमात्र वो मुख्यमंत्री है जो राजस्थान के 1985 में जब इनको हटा दिया गया था तो कांग्रेस की सरकार, इन्होंने कहा कि 16 दिन में हटा दिया तो कांग्रेस की सरकार ने कहा कि आप पेंशन डालो हीरालाल जी, आप तो हमारे लिए हीरा है, हम एक काम करते हैं आपको क्या करते हैं विधानसभा अध्यक्ष बना देते हैं। अब ये चार्ट से आपको ये किताबों में नहीं मिलेगा, आपके आरएस प्रीलिम्स के लिए आपका अगला सवाल कि राजस्थान के वो एकमात्र मुख्यमंत्री, कभी आपने किसी कोचिंग क्लासेस में नोट्स नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल चीज है, आरपीएससी जहां से सवाल पूछी जा रही है, इसलिए मैं आपको आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, आपको बार बार बताना चाहूंगा। आप शहर में है गांव में ऑथेंटिक पढ़िए, ऑथेंटिसिटी बहुत पढ़नी जरूरी है। 2 साल में तो वैकेंसी आती है, इस बार तो वैकेंसी भी मोर देन 1000 आएगी, और आपकी एक छोटी सी गलती से 1-2 नंबर से प्री रह गया फिर दिक्कतें आएगी, वो काम नहीं करना है। देखिए मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा टीचर हूँ, लेकिन आप ऐसे टीचर को थोड़ा उनसे दूर रहिए जो है उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो है आपको लगता होगा कि ये जो है आप उनका कंटेंट देखिए भले टीचर पढ़ाता हो आपको बोरिंग लगता हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर पढ़ाता हो आपको बोरिंग लगता हो, लेकिन आप देखिए कि कंटेंट आज के टाइम से मैच होता है कि नहीं है, आपको कंटेंट पर ध्यान देना है। एक बार तो आपके सामने नोट्स आ जाएंगे तो आप खुद भी समझ लोगे, आप इनके नोट्स बनाओगे तो आप खुद भी समझ कर जो है चीजों को आप ध्यान में रख लोगे, लेकिन पहली बात तो आपके सामने कंटेंट अच्छा आना चाहिए। सबसे पहली चीज पहचानिए कंटेंट के द्वारा। मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा हूं, लेकिन आपको बस एक सतर्क करना चाहता हूं, कल मेरा भी अगर कंटेंट अगर जो है बिगड़ता है तो मैं, लेकिन मेरी एक चीज है कि मैं कंटेंट पर जो है रिसर्च करके आपके सामने लेके आता हूं ताकि आपकी चीजें आपको मिले। अगला सवाल आपके प्रीलिम्स के लिए कि राजस्थान के वे एकमात्र मुख्यमंत्री जैसे इस बार पूरी में पूछा था ना, मुख्यमंत्री जो राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो प्लीज आप कंसिडर कीजिए कि राजस्थान के एकमात्र ये मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा साहब। ये 2 कारण से फेमस है, एक तो ये सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री रहे मात्र 16 दिन, और एक ये 1985 में जब इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था तो कांग्रेस की सरकार द्वारा इनको विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। 1985 तक ये मुख्यमंत्री रहे, और आप देखोगे कि इस 1985 से आप देखोगे कि 1990 तक 1985 से आप देखोगे कि 1990 तक आप देखोगे तो मुख्यमंत्री जो है बहुत आगे आते गए। देखिए आप देखिए 1985 से 1988 3 साल तक हरिदेव जोशी साहब मुख्यमंत्री रहे, फिर 1989 से 1989 1 साल के लिए फिर शिवशरण माथुर साहब को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर हरिदेव जोशी साहब को पुनः जो है 1989 से 1991 एक साल तक मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये वाला जो काल था, इस काल में आप देखोगे कि मुख्यमंत्री जो है वो बिगड़ जो मतलब है एक बार बनाया एक बार हटाया इस तरीके से बनाया हटाया गया। लेकिन 1990 के बाद में आप देखोगे तो पुनः चुनाव होते हैं 1990 में, और 1990 में जब चुनाव होते हैं और आप देखोगे, देखिए ये तो ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार 1967 वाला हमने कवर ही किया, 3 साल के लिए रहे थे 1980 तक। अब 90 तक आप देखोगे कि कांग्रेस का काल है। अब दोबारा देखिए ऐसे आप ध्यान में रखिए, 1952 से लगभग 1977 तक कांग्रेस का काल है राजस्थान में, 1977 से 1980 तक पहली बार राजस्थान में जनता संघ जो बीजेपी के नाम से आमतौर पर जनता संघ की जो है उसकी सरकार बनती है, जो गैर कांग्रेसी है, कांग्रेस का दबदबा हटता है,
लेकिन पुनः 1980 से पुनः 1990 तक, अगले 10 साल तक 1990 तक पुनः एक बार जो है कांग्रेस का काल वापस आता है, कांग्रेस का काल। लेकिन 1990 में आप देखोगे कि जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि 1987 से 1991 तक जो है भारत में एक आर्थिक समस्या जो है भुगतान संतुलन की एक समस्या भारत के सामने बढ़कर आती है, जिसमें हमारे पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि हम जो है अगले 7 दिन के लिए तेल भी खरीद पाए। तो उस समय आप देखोगे कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कलेप्स कर जाती है, बिगड़ जाती है, एकदम समाप्ति के दौर में है। तो भारत जो है गिरवी रखता है अपना सोना जो है वर्ल्ड बैंक, और वहां से जो हमें लोन मिलता है। तो उस समय यही काल है। और इस समय जब चुनाव होते हैं तो जनता द्वारा आप देखोगे कि कांग्रेस को राज्य चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस को धक्का भी लगता है। तो 1990 में जो चुनाव हुए तो उस समय आप देखोगे कि 4 मार्च 1990 को राजस्थान के पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनकर आते हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री और दूसरी बार गैर कांग्रेस की सरकार बनकर आती है भैरव सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में। और शेखावत जी राज्य के तीन बार मुख्यमंत्री रहे और ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर आते हैं। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं आप देखोगे कि 1992 में 1990 में चुनाव हुए और चुनाव में जीते, जनता दल की पार्टी जीत कर आती है जो कालांतर में बीजेपी बन जाती है, जीत के आती है। लेकिन दो साल तक की आप देखोगे कि बीजेपी की ये सरकार रहती है, भैरव सिंह शेखावत जी की ये सरकार रहती है। लेकिन 1992 में और पुनः जो है राजस्थान में जो है राष्ट्रपति शासन चौथी बार, और अब तक राजस्थान में 4 बार ही राष्ट्रपति शासन लगे हैं, राज्य में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। और 1992 में राष्ट्रपति शासन लगने के साथ में ही आप देखोगे कि इनको हटा दिया जाता है। लेकिन पुनः जब चुनावों की घोषणा होती है, चुनावों की दूसरी बार मध्यावधि चुनावों की घोषणा होती है तो राजस्थान के लोग एक बार पुनः जो है भैरव सिंह जी शेखावत को वापिस वोटों से जिताते हैं, जनता दल की पार्टी को जिताते हैं और राज्य में ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर आते हैं 1993। और इस बार इनका कार्यकाल जो है वो पूरे 5 वर्ष तक रहता है, पूरा जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष। तो इस प्रकार से भैरव सिंह जी शेखावत जो है वो राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और जब ये मुख्यमंत्री रहे तो इनके समय प्रतिपक्ष के जो नेता रहे हैं वो हरिदेव जोशी साहब। ये पुनः एक बार वो मुख्यमंत्री है जो राजस्थान के क्या है, प्रतिपक्ष के नेता है, प्रतिपक्ष नेता भी बने ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रतिपक्ष के नेता। अब ये आपसे सवाल ही ये पूछा गया था कि निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे, ठीक है, मुख्यमंत्री है, ठीक है, वैसे तो कई सारे रहे लेकिन मुख्यमंत्री की बात की है। तो आप देखोगे, हमने देखा कि हरिदेव जोशी साहब तो रहे, हमने अभी देखा हरिदेव जोशी साहब। देखिए, 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो नेता प्रतिपक्ष पर रहे, हरिदेव जोशी साहब, एक का नाम है आप देखोगे कि भैरव सिंह जी शेखावत साहब, ये ऑप्शन में इन्होंने नहीं रखा था, भैरव सिंह जी शेखावत साहब। और फिर अशोक जी की सरकार आती है तो वसुंधरा राजे जी बनती है। तो ये तीन तो ऐसे हैं जो बने हैं। तो आप बनों में आप देखोगे कि भैरव सिंह शेखावत जी का तो नाम है ही नहीं, तो भैरव सिंह शेखावत जी का नाम नहीं है तो कौन कौन रहे, हरिदेव जोशी साहब रहे और वसुंधरा जी रहे। तो आपको पहचाना है कि कौन से नहीं रहे, शिवशरण माथुर साहब और अशोक गहलोत जी। इसके कारण आपका उत्तर जो है वो बी था, आपका जो है मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका ऑप्शन जो है वो आपका राइट था। तो इस तरीके से आपको ये चीजें कवर करनी थी, इस तरीके से आपको अभी और है कवर करनी है। और उसके बाद देखोगे कि 1998 के बाद में तो राजस्थान में अब ये बीजेपी की सरकार है, तो 1998 चुनाव होते हैं और 1998 में जब चुनाव होते हैं तो 1998 से 2003 तक आप देखोगे कि पूरा कार्यकाल जो है वो अशोक गहलोत साहब का होता है कार्यकाल। लेकिन इनके समय आप देखोगे कि बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है तो वसुंधरा राजे जी को जो है, देखिए वसुंधरा राजे जी जब राजस्थान की मुख्यमंत्री नहीं है उससे पहले राजस्थान की वो प्रतिपक्ष की नेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतिपक्ष जो विधानसभा में सबसे बड़ा जो दल है, विधानसभा में जो सबसे बड़ा सॉरी पार्टी के बाद जिनकी सरकार बनी है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो दल है उसमें से एक अपोजिशन लीडर को चुना जाता है, जिसको 10% जो है वो कहते हैं कि सीटें उनकी है वहां पर, तो उनको चुना जाता है। तो आप देखोगे कि मुख्यमंत्री से पहले वसुंधरा जी जो है वो
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की रही थी। ठीक है, तो 2003 में फिर चुनाव होते हैं, 2003 में चुनाव होते हैं, तो 2003 में जब चुनाव होते हैं तो वसुंधरा जी बीजेपी की सरकार आती है, पहली बार बीजेपी को बहुमत मिलता है, बड़े स्तर पर बहुमत मिलता है। इस बार गठबंधन की सरकार उनको बनाने की आवश्यकता नहीं रही थी, बहुमत मिलता है और पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर आती है और इनका कार्यकाल पूरे 5 साल तक 2008 तक रहता है। लेकिन 2008 में फिर चुनाव होते हैं तो वापिस जो है 2008 से 2013 तक जो है आप देखोगे कि अशोक गहलोत जी जो है वो जो है नेता बनकर आते हैं, मुख्यमंत्री बनकर आते हैं और इस समय प्रतिपक्ष जो नेता रहते हैं वापिस वसुंधरा राजे जी, उसके बाद गुलाबचंद कटारिया साहब भी रहते हैं। 2013 में फिर चुनाव होते हैं तो 2013 से यहाँ पर 2013 से जो है वो 2018 तक, 2013 से 2018 तक पुनः जो है वसुंधरा जी चुनकर आती है और 2018 में पुनः चुनाव होते हैं और इस बार जो है 2018-19 में पुनः चुनाव होते हैं और इस समय जीत कर आते हैं पुनः अशोक गहलोत जी, जो अब उनका कार्यकाल है। और अब इस समय जो मुख्यमंत्री है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो अशोक गहलोत जी है और प्रतिपक्ष नेता जो है वो गुलाबचंद कटारिया साहब। तो इस प्रकार जो है वो मुख्यमंत्री और उनसे जुड़े हुए जो फैक्ट है आपको ये ध्यान में रखने हैं। जब विधानसभा वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें विधानसभा में और चीजें हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन आपको इतना जरूर ध्यान में रखना है। तो ये हमने बात की फैक्ट के हिसाब से मुख्यमंत्री। और आप जब आपके जो देखिए आपके मेंस में लिखा है कि राजस्थान में द्विदलीय प्रणाली, राजस्थान में है राजस्थान की राजनीतिक घटनाक्रम, राजस्थान का राजनीतिक घटनाक्रम, तो राजनीतिक घटनाक्रम यही तो है, आपको समझना है घटनाक्रम। विधानसभा में और आपका स्पष्ट होगा घटनाक्रम क्या है कि आप देखोगे कि 1952 से 1977 तक जो है राजस्थान में एक दल का शासन रहता है, एक दल का शासन। फिर आप देखोगे कि 1977 से 1980 तक का आप काल देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि संक्रमण काल आता है जिसमें आप देखोगे कि जनता दल की पार्टी जुनकर आती है। फिर आप देखोगे कि 1980 से 1990 तक आप देखोगे तो पुनः जो है कांग्रेस का काल है। और पुनः आप देखोगे कि 1998 तक आप देखोगे कि पुनः जो है संक्रमण काल है, जिसमें एक बार जो है बीजेपी की सरकार है, एक बार कांग्रेस की सरकार है, इस प्रकार से राष्ट्रपति शासन है। लेकिन 1998 से आप देखोगे तो राजस्थान में जो है दो दल बनकर आते हैं और दो दल, एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस, ये 1998 के बाद में आपको स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं थोड़ा मेंस की तरफ कि राजस्थान की मुख्यमंत्री, उनसे जुड़े कार्य और उनकी जुड़ी हुई शक्तियां। देखिये जब आप मुख्यमंत्री वाला टॉपिक जब आप कवर करते हैं मुख्यमंत्री वाला टॉपिक, तो आपको मुख्यमंत्री से जुड़े हुए आपको चार आर्टिकल एक तो ध्यान में रखने हैं। पहली बात यह कि आपको पता है कि भारत के संविधान के भाग छह में राज्य जो सरकारें हैं उनका उल्लेख है और भाग छह के आर्टिकल 163, 164, 166 और 167 ये जो आर्टिकल है ये मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री से संबंध में ज़्यादा आर्टिकल का उल्लेख नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कई सारी चीजें लिखी हुई है। जैसे आर्टिकल 163 ये कहता है, भाग 6 का आर्टिकल 163 ये कहता है, हेलो टू एवरीवन हाय, कि राज्यपाल, देखिए राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी कि राज्यपाल जो है वो राज्य में किस प्रकार से कार्य करे। तो इस मंत्रिपरिषद जो होगी, इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा, मुख्यमंत्री। ये आगे लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री। आर्टिकल 164 में हुआ कि पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्तियां हैं उनको विभागों का वगैरह जो है वो कौन करेगा, राज्यपाल। उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाएगी। लेकिन एक चीज और है, राज्यपाल नियुक्ति किसकी करेगा, ऐसे व्यक्ति की करेगा जिसको विधानसभा में बहुमत हो। ऐसे व्यक्ति की पहले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करेगा, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है वो पूरे मंत्रियों की और मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ये तो आप देखोगे कि मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और उनकी नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है।
लेकिन आर्टिकल 166 में लिखा है कि राज्य सरकार का कार्य का संचालन कैसे होगा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि यदि किसी मंत्रिपरिषद ने निर्णय ले लिया है तो आप देखोगे कि मुख्यमंत्री को जो है मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को अवगत कराना है। ऐसा ही जो है आर्टिकल 167 में लिखा गया है कि ये है राज्य सरकार, ये है राज्य का कार्य, ऐसे लिखे राज्य का कार्य, ये है मुख्यमंत्री और ये है राज्यपाल। राज्यपाल, अब राज्यपाल के नाम से राज्य में सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक शासक तो कौन है, वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास में है। तो कड़ी के रूप में जो है, यानी कि राज्यपाल जब भी राज्य के कार्य के बारे में पूछेगा तो वो मुख्यमंत्री जी से कि बताइए क्या क्या कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा बिल पेंडिंग है, क्या है। तो राज्यपाल को जो भी जानकारी चाहिए वो मुख्यमंत्री जी से पूछता है कि राज्य में कार्य का किस प्रकार से संचालन होता है। तो वो जो लिखा हुआ है वो आर्टिकल 167, जिसमें राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, कि मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है कि राज्यपाल जो भी प्रशासन संबंधी, विधायन संबंधी जो भी जानकारी अगर मांगता है तो उसकी जानकारी जो है वो किनको मिले, राज्यपाल जी को दी जाए। तो आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 166 और आर्टिकल 167 जो है वो किससे जुड़े हुए है, वो मुख्यमंत्री से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए है। जब मुख्यमंत्री की कार्य या शक्तियों के बारे में सवाल आए तो इन चारों आर्टिकल का उल्लेख आप अपने उत्तर में जरूर करें। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 163, हमने देखा आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है नियुक्ति, लेकिन नियुक्ति जो है वो आम चुनाव के बाद में, आप चुनाव के बाद में जब पुराना मुख्यमंत्री जो है वो त्याग, या जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री वो त्याग पत्र दे दिया जाता है या उसको बर्खास्त कर दिया जाता है या उसका पद रिक्त हो जाता है, और उसके बाद में जो चुनाव होते हैं और विधानसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है तो उस बहुमत में से जो है राज्यपाल द्वारा जो है एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब जब इसकी नियुक्ति की जाती है तो आपको पहली चीज तो ये कि राज्यपाल के पास में पहली बात यह है कि आप बहुमत, जिसके पास बहुमत है उसको जो है आप मुख्यमंत्री बनाइए। दूसरी बात यह कि अगर बहुमत नहीं है तो क्या चुनाव जो हुए है, चुनाव के पहले कोई गठबंधन हुआ है तो गठबंधन के नेता को, और अगर चुनाव के पहले कोई गठबंधन नहीं है तो चुनाव के बाद में कोई गठबंधन हुआ है तो उसे बनाइए। अगर वो भी नहीं है तो आप एक चीज और कि आप जो है किसी व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री बनाइए और उनको जो है फ्लोर टेस्ट करने की अनुमति दीजिए कि आप जो है आप साबित करके बताइए कि आपके पास बहुमत है। और तो ये बड़ी समस्या आज आप देखोगे कि यहाँ पर जो है राज्यपाल की विवेक की शक्ति आ जाती है, और ये काफी जो है राज्यपाल जो है यहाँ पर जो है उनका जो डिसीजन होता है कई बार जो है आपने देखा होगा महाराष्ट्र विधानसभा, कर्नाटक में है, या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें तो वहां पर राज्यपाल की जो ये विवेक की शक्ति जब बनकर उभरती है कि अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है तो किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसकी जो है सरकार, आमतौर पर वहां पर देखोगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो क्लैश होता है, तो वो राज्यपाल को जब हम कवर करेंगे तो वहां जो है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 163 के तहत जो है राज्यपाल द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो व्यक्ति या उसके दल को बहुमत मिला होना चाहिए। अगर बहुमत नहीं है तो उसके द्वारा बनाए गए गठबंधन या गठबंधन के नेता को, या चुनाव के पहले गठबंधन नहीं है तो चुनाव के बाद में जो गठबंधन हुआ है उसको जो है उससे जो है व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री आपको नियुक्त करना है, उनको फ्लोर टेस्ट करने के लिए अनुमति देनी है। एक चीज और, जब आप देखिए, जब किसी व्यक्ति को आप मान लीजिए कि एक चीज और, जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ है कि एक चीज पहले इसको कवर कर लेते फिर महाराष्ट्र वाला कंडीशन में आपको समझाता हूं। देखिए, योग्यता क्या है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई योग्यता नहीं है कि वो व्यक्ति जो है किस उम्र का होना चाहिए, उम्र वही होनी चाहिए जो विधानसभा के लिए, राज्य विधानसभा के लिए जो व्यक्ति चुनाव एमएलए बनने के लिए जो भी उम्र होती है वही जो है एक मुख्यमंत्री की उम्र होती है। पढ़ाई लिखाई कोई भी ऐसी चीज नहीं है, क्या आरएस का एग्जाम क्लियर करना हुआ चाहिए, वो ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। योग्यता ये है कि संविधान में तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन बस ये है कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य हो, ठीक है, राज्य विधानसभा का सदस्य हो, या यदि जहां पर विधानमंडल है तो वह जो है राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, राज्य विधानमंडल, और विधानमंडल में जो है राज्य विधानसभा और आप देखोगे कि विधान परिषद, ये दोनों शामिल होती है, कि
एक मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा से भी आ सकता है और विधान परिषद से भी आ सकता है, एक तो ये कंडीशन है। अब मान लीजिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस के जो है ये मान लेते हैं 200 एमएलए, ठीक है 200 एमएलए। अब कांग्रेस ने क्या किया कि 200 एमएलए में से किसी को मुख्यमंत्री ना बनाकर किसी बाहरी व्यक्ति जो है उनको जो है मुख्यमंत्री बना दिया कि जो है आप मुख्यमंत्री बनिए। अब ये व्यक्ति ना तो राज्य विधानसभा का सदस्य है ना ही विधान परिषद का सदस्य है। जैसे महाराष्ट्र में आप देखोगे, ये कंडीशन महाराष्ट्र में आपको समझने में बड़ा मजा आएगा। महाराष्ट्र में आप देखोगे कि वहां पर आप देखोगे कि उद्धव ठाकरे साहब ने जो है चुनाव नहीं लड़ा, वहां पर जो है कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर जो है जो लोग जीत कर आए उन्होंने जो है मिलकर जो है सरकार बनाई। लेकिन बाहर उद्धव ठाकरे बाहर थे तो उद्धव ठाकरे ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया गया उद्धव ठाकरे साहब को। तो हमारे संविधान में ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है 6 महीने के लिए, भले ही वो किसी भी जो है सदन का सदस्य ना हो, भले वो विधानसभा का नहीं हो या विधान परिषद का नहीं हो, लेकिन इस 6 महीने के मध्य जो है इन 6 महीने के दौरान जो है उन्हें या तो विधानसभा में या विधान परिषद में इनको सदस्यता लेनी होगी। अब उद्धव ठाकरे साहब को जब बनाया गया तो वहां पर महाराष्ट्र में क्या है, विधान परिषद है, हमारे राजस्थान में तो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा था, लेकिन हमारे राजस्थान में यही एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर राजस्थान में विधान परिषद नहीं है तो बाहरी व्यक्ति को हम जो है मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। लेकिन जो है आप देखोगे कि महाराष्ट्र में बना सकते हैं, लेकिन आप देखोगे कि कोरोना के कारण जो है ये भी था कि 5-6 सीटें जो है वो विधान परिषद की खाली थी। विधान परिषद हम विधान मंडल वाले में देखेंगे कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है, जो उसमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव वगैरह होते हैं, कुछ जो है वो नगर पालिकाओं से वगैरह से जो चुने जाते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा से भी भेजे जाते हैं, तो वो सारी चीजें तो है। तो उसमें ये था कि 5-6 सीटें जो है विधान परिषद की खाली है, तो उसमें जो है राज्यपाल साहब के भी कोटे में 2-3 सीटें है, तो राज्यपाल साहब को जो कहेंगे तो वो है उद्धव ठाकरे साहब को जो है विधान परिषद का सदस्य बना लेंगे। यदि उद्धव ठाकरे साहब को विधान परिषद का सदस्य बना लेंगे तो विधान परिषद का सदस्य बन गए, यदि विधान मंडल के सदस्य बन गए, यदि विधानमंडल के सदस्य बन गए तो वो फिर अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए रह सकते हैं। तो ये कंडीशन थी, लेकिन अभी जो है कोरोना के कारण वह चुनाव नहीं हो पा रहे थे, तो कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे साहब की जो है वो कुर्सी खतरे में है, क्योंकि तकरीबन 6 माह खत्म होने आए हैं और वो विधान सभा के तो सदस्य थे ही नहीं क्योंकि उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा, लेकिन वो विधान परिषद के सदस्य कैसे बनेंगे जब चुनाव ही नहीं हो रहे विधान परिषद के। तो मुख्य जैसे केंद्र सरकार से जो कहा गया कि ढील दी गई है कि जैसे ये कंडीशन थोड़ी जो है एक्सट्रीम है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोई स्पेशल चीजें तो योग्यता के बारे में नहीं लिखा गया, योग्यता के बारे में ये लिखा गया आर्टिकल 163 में कि वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि यदि किसी मुख्यमंत्री को कोई सजा मिलती है, कोई बड़ी सजा जो मिलती है, तो उसके कारण वो मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। अब उनके कर्तव्य और अधिकार के बारे में बात करें, तो आप देखिए कि यही आपके जो थोड़ा बहुत ही रहा है इसे कवर कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। आर्टिकल 166 और आर्टिकल 167, जिसमें मुख्य रूप से आर्टिकल 167 में राज्यपाल के कर्तव्यों का उल्लेख है और 166 में कार्य संचालन, किस प्रकार से राज्य सरकार का जो है कार्य का संचालन होगा, वो कि राज्य के सभी कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, वो सारी बातें आर्टिकल 166 में लिखी गई है। और आर्टिकल 167 में क्या लिखा गया है कि राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य है। आप देखोगे कर्तव्य में बात करें और उनकी शक्तियों की बात करें उनके अधिकारों की बात करें, तो आर्टिकल 167 की बात करें तो वह राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष है, सभी मंत्रियों सभी संसदीय जो सचिव है उनकी नियुक्ति जो है उनको विभागों का वितरण है, उनको पद मुक्ति है, लोकसभा के अध्यक्ष जो है और महाधिवक्ता है और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की जो नियुक्ति की जाती है उसमें राज्यपाल को जो है परामर्श दिया जाता है। इनकी नियुक्ति देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। लोकसभा अध्यक्ष के जो है लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। महत्वपूर्ण और भी पदाधिकारी उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन उनको परामर्श कौन देता है, परामर्श करने का कार्य जो है वो मुख्यमंत्री का होता है। उसके अलावा राज्य के जो असैनिक जो पदाधिकारी है, असैनिक जो आमतौर पर जो है आप देखोगे कि पदाधिकारी ऐसे जो है विभिन्न जो है जैसे
आप देखोगे कि आप राज्य महिला आयोग जो है, राज्य बाल संरक्षण आयोग जो है, इस प्रकार जो भी आयोग है उनके जो अधिकारियों की जो स्थानांतरण वगैरह जो है वो मुख्यमंत्री के आदेश द्वारा ही किए जाते हैं। बहुत बड़ा पद है, वास्तविक है, वास्तविक। इसके अलावा जो राष्ट्रीय विकास परिषद जो पहले हुआ करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है वो राज्य प्रतिनिधित्व होता था, आजकल मैंने ये लिखा, आजकल इसकी जगह नीति आयोग में जो है राज्य का प्रतिनिधित्व भी ये रखता है। फिर मुख्यमंत्री जो है वो जो जो कहते हैं कि हमारी जो है मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता भी करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की पालना की जाती है। और एक चीज और देखिए कि यदि किसी राज्य में मान लीजिए अशोक गहलोत जी यदि अपने तब पद से जो है वो इस्तीफा दे दे तो मुख्य जो मंत्रिपरिषद पूरी बनी हुई है वो पूरी जो है भंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कोई एक मंत्री जो है, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान का जो है पशुपालन जो मंत्री है वो यदि उसको हटाना है तो क्या करेंगे कि मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को कहेंगे कि आप जो है, मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को कहेंगे कि जो राजस्थान के जो पशुपालन मंत्री उनको हटा दीजिए, तो राज्यपाल साहब एक आदेश पारित करेंगे और उनको हटा देंगे। लेकिन अशोक गहलोत जी ने यदि इस्तीफा ही सौंप दिया अपना राज्यपाल साहब को कि मैं जो है इस्तीफा दे रहा हूं, तो मंत्रिपरिषद जो है वो ऑटोमेटिकली है वो भंग हो जाएगी, ठीक है, भंग हो जाएगी। इसके अलावा आप देखिए कि आर्टिकल 167 के अंतर्गत जो है वो राज्यपाल को जो है प्रशासन और विधायन संबंधी जो भी प्रस्ताव आते हैं उनकी जानकारी जो है वो राज्यपाल को मुख्यमंत्री द्वारा दी जाती है। यदि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने किसी विषय पर निर्णय ले लिया है और राज्यपाल को इस बारे में जानकारी नहीं है, तो राज्यपाल जब मांगे कि मुझे इस बारे में जानकारी मिले, तो मुख्यमंत्री साहब जो है वो इस बात की जानकारी जो है वो राज्यपाल को भी देता है और इस बात की जानकारी जो है वो मंत्रिपरिषद के समक्ष भी रखता है। इसके अलावा राज्यपाल साहब को जो है विधानसभा भंग करने की भी सलाह दे सकता है कि अब जो है हमारे पास बहुमत नहीं रहा है, हम जो है, जैसे कमलनाथ साहब जो है, कमलनाथ जी आपने देखा कि आप एमपी का एग्जाम्पल देखिए, प्रैक्टिकल देखिए कि कमलनाथ साहब जो है वो रातों रात वहां पर गए किनके पास, राज्यपाल साहब के पास में कि ये मेरा इस्तीफा पत्र, मैं जो है मैं सलाह देता हूँ कि मेरा इस्तीफा पत्र आप स्वीकार कीजिए, मेरे पास में बहुमत नहीं है। और राज्यपाल साहब ने जो विधानसभा भंग करने की अनुमति दे दी। फिर जो बड़ा दल था जैसे बीजेपी, उनको आमंत्रित किया गया कि आप आइए, आपको फ्लोटर्स देते, आप साबित कीजिए। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये जो है हमने पहले मुख्यमंत्री कवर किया, हमने सारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, इससे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिक सोर्स, आपको बोरिंग लग रहा है, मुझे नहीं पता बोरिंग लगे, लेकिन आपको कवर करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, आपको आपके सामने मैंने रखा था, बहुत जरूरी है, ये मेंस में है, मेंस की और क्लासेस होगी उसमें और अच्छे से हैंडल। कंटेंट पे काम करना है और दूसरा लिखने पे काम करना है, ठीक है, लिखना और कंटेंट पे काम किया है तो आपका उत्तर बड़ा अच्छा होगा, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, मेरे जिम्मे सवाल बाहर नहीं जाएगा, जो प्लस पर जुड़े हुए हैं वहां पर तो हम कई सारी चीजें कवर करवा रहे हैं, वो मेरे जिम्मे, बेफिक्र होकर प्लस पर पढ़िए। डोंट वरी, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, ठीक है।